चंबल के डाकुओं के बारे में हम सब ने सुना है। यहाँ के डाकुओं के जीवन की कहानी किसी फिल्म कहानी से कम नहीं। तो आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय एथलीट और कई मेडल्स अपने नाम कर चुका एक बेहतरीन धावक पान सिंह तोमर के बारे में। आज भले ही इनकी पहचान खूंखार डकैत में होती हो, लेकिन ये अपने समय में एक बेहतरीन रनिंग एथलीट और सूबेदार थे। तो आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पान सिंह तोमर का जन्म 1 जनवरी 1932 को मध्य प्रदेश में चंबल नदी के किनारे बसे भिडोसा गांव में हुआ था, जिसने अपने जीवन में भारत माँ के नाम का तिरंगा विदेशों में लहराया। लेकिन जिंदगी के आखिरी मोड़ पर उसे ये बीहड़ ही नसीब हुई। पान सिंह के गांव में लोगों को पैसा कमाने के लिए उनके पास सिर्फ दो ही विकल्प थे, या तो किसान बन जाओ और दूसरा सेना में भर्ती हो जाओ। पान सिंह को दौड़ना बहुत पसंद था, वो कई लंबी दौड़ भी लगाया करते थे और इसी के चलते उन्होंने सेना में भर्ती होने का मन बनाया था। पान सिंह तोमर का नाम सुर्खियों में तब आया जब उन्होंने 1958 में जापान के एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 3000 मीटर स्टीपलचेज में विश्व रिकॉर्ड 9 मिनट 2 सेकंड का बनाया। उसमें उनका रिकॉर्ड 10 वर्षों तक बना रहा और देश के लिए 7 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। उन्होंने राजपूताना राइफल्स में सिपाही के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की और यहीं पर एथलीट के तौर पर उनका टैलेंट सामने आया। वहां वे अक्सर बिना थके दौड़ते रहते थे और वे अक्सर देर रात तक प्रैक्टिस भी किया करते थे। फौज के तमाम साथियों के बीच पान सिंह की छवि एक हसमुख और जिंदा दिल इंसान के रूप में थी। फौज में रहकर उन्होंने न सिर्फ एक सिपाही का फर्ज निभाया बल्कि एक खिलाड़ी के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जीत कर देश का नाम भी रोशन किया। पान सिंह ने अपने प्रतिभा के दम पर काम, नाम और दाम सब कमाया, जिसके साथ देश की सेवा भी हो रही थी और पान सिंह की उम्र भी गुजर रही थी। अब होना तो यही चाहिए था कि पान सिंह अब आराम करें और अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचे, पर नियति को ये मंजूर ना था। रिटायरमेंट लेने के बाद पान सिंह अपने गांव आ गए। गांव आने के बाद वह जमीनी विवाद में फंस गए क्योंकि उनकी जमीन किसी बाबू सिंह ने हड़प ली थी और बाबू सिंह का उस गांव में दबदबा था, यहां तक कि पुलिस, पंचायत सब उसके साथ थे। पान सिंह के पुरखों ने कभी बाबू सिंह के यहाँ जमीन को गिरवी रखी थी, जिसे पान सिंह पैसे देकर वापस लेना चाहते थे, लेकिन बाबू सिंह ने जमीन वापस देने से साफ इनकार कर दिया। विवाद ज्यादा ना बढ़े इसलिए पान सिंह लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहते थे। पान सिंह अपनी जमीन पर कब्जा पाने के लिए 8 साल तक पुलिस और अफसरों की सहायता मांगता रहा, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। एक फौजी होने पर भी उसकी पुकार किसी ने ना सुनी। पान सिंह जिस भी अफसर के पास जाते सबसे पहले अपने पदक और अपनी सफलता के कई प्रमाण दिखाते, लेकिन फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सिस्टम ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। कई समय तक अफसरों के गेट बजा बजा के वो थक हार के बैठ गया। कई गालियां सुनी तो कई बेइज्जती के कारण शर्मसार हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। पान सिंह ने पंचायत बुलाने का फैसला किया, जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया गया कि पान सिंह की जमीन को पैसे देकर वापस ले ले, जिसमें कई शर्तें भी रखी गई। पान सिंह मामले को निपटा ही चुके थे कि बाबू सिंह के परिवार के सदस्यों ने पान सिंह के बेटे हनुमंत सिंह को बुरी तरह से पीट डाला। ये सब मामले यहाँ तक रुके नहीं और पान सिंह की बूढ़ी माँ को भी बुरी तरह से पीट डाला, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इतना सब कुछ होने के बाद घर में शोक सा छा गया और पान सिंह को बहुत गुस्सा आया। वो खुद को रोक नहीं पाए तो मजबूरन उसे बंदूक उठानी पड़ी। पान सिंह ने अपनी टीम तैयार की, जिसमें कुल मिलाकर 28 डकैत थे। सबने मिलकर बाबू सिंह और उसके सभी साथियों की हत्या कर दी और जमीन का मामला हमेशा के लिए शांत कर दिया। आखिर में खुद को बचाते बचाते 1981 में 50 साल की उम्र में पुलिस के साथ हुई गोलीबारी में पान सिंह तोमर को मार डाला। पान सिंह तोमर का कहना था, मैंने देश के लिए इतने मेडल प्राप्त किए, अपनी मातृभूमि के इतने वर्षों तक सेवा की, खुद का और अपने देश का नाम बहुत ऊपर किया, लेकिन आखिर में मुझे डकैती में ही पहचान मिली। पान सिंह तोमर के ऊपर तिग्मांशु धूलिया ने एक फिल्म भी बनाई है, जिसमें इरफान खान ने पान सिंह तोमर की भूमिका निभाई है। एक और एथलीट मिल्खा सिंह, जिन पर एक फिल्म भी बनी है, वह पान सिंह तोमर के सीनियर थे और लंबी दूरी की रेस में मिल्खा सिंह ने पान सिंह तोमर को हराया था। पर आज भी मिल्खा सिंह का कहना है, पान सिंह जैसा कोई रनिंग एथलीट नहीं है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।